हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। हाय दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए चैप्टर 5। चैप्टर 5 के अंदर क्या है दोस्तों कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या विद्युत के जो मौलिक है तो उनकी डिटेल अपन पढ़ेंगे दोस्तों। विद्युत धारा क्या होती है, इसका प्रभाव कैसा होता है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो अपना सबसे पहले दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा। क्या विद्युत धारा है? इलेक्ट्रिकल करंट। क्या विद्युत धारा? विद्युत धारा दोस्तों, विद्युत धारा होती क्या है? विद्युत धारा होती क्या है? किसी चालक में प्रति सेकंड में किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत धारा। अपन नॉर्मल भाषा में ये भी बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत धारा। तो या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नॉर्मल परिभाषा दोस्तों जो सभी जानते होंगे कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा। लेकिन जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो मेन डेफिनेशन जो परिभाषा बनती है दोस्तों, जो परिभाषा है पूरी तरह से कि किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत धारा। यदि नॉर्मल परिभाषा देखते हैं अपन साधारण लैंग्वेज के अंदर कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत धारा। अब दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखेंगे अपन। तो यानी कि धारा बराबर आवेश बटा समय। दोस्तों यहां पर धारा बराबर आवेश बटा समय क्या हो गया दोस्तों? जो फॉर्मूला बन रहा है आपका विद्युत धारा का, धारा बराबर आवेश बटा क्या हो गया दोस्तों? समय। यदि मैं धारा को I के द्वारा दर्शाता हूं, किसके द्वारा? I के द्वारा। और आवेश को दोस्तों किसके द्वारा दर्शाऊंगा? क्यों के द्वारा। यानी कि I बराबर क्यों अपॉन में समय को दर्शाऊंगा दोस्तों T के द्वारा। किसके द्वारा? T के द्वारा। तो यानी कि जो वर्ड हो गए इंग्लिश वर्ड I बराबर क्यों अपॉन में T क्या हो गया दोस्तों? I बराबर क्यों अपॉन T। यदि अपन हिंदी लैंग्वेज में देखते हैं दोस्तों इनको, तो धारा बराबर आवेश बटा समय। यानी धारा को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? I के द्वारा। आवेश को दर्शाते हैं दोस्तों क्यों के द्वारा। और समय को दर्शाते हैं दोस्तों T के द्वारा। तो यानी कि अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर आवेश की बात करता हूँ
आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम, क्या होता है कूलम, क्या होगा कूलम, आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम और समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड, क्या होता है सेकंड, समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड, तो यानी कि धारा का जो मात्रक होगा कूलम प्रति सेकंड होगा, क्या होगा दोस्तों कूलम प्रति सेकंड, यानी कि अगर कूलम प्रति, यानी कि आवेश का मात्रक होता है दोस्तों कूलम, क्या होता है कूलम, और समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड, क्या होता है सेकंड, यानी कि दोस्तों विद्युत धारा का जो एमकेएस मात्रक, क्या होगा विद्युत धारा का एमकेएस मात्रक, अगर आईएस मात्रक की बात करते हैं दोस्तों, दोस्तों इधर देखो एक बार कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां से सीधे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और आंसर आपको देना होगा, यदि मैं विद्युत धारा की बात करूंगा कि धारा धारा को दर्शाते हैं, धारा को दर्शाते हैं दोस्तों आई के द्वारा, किसके द्वारा दर्शाते हैं दोस्तों आई के द्वारा, और समय को, समय को, समय को दर्शाते दोस्तों टी के द्वारा, किसके द्वारा समय को टी के द्वारा दर्शाया दर्शाया जाता है, और दोस्तों आवेश, आवेश को किसके द्वारा दर्शाते दोस्तों आवेश को क्यों के द्वारा, किसके द्वारा क्यों के द्वारा दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है दोस्तों आवेश को क्यों के द्वारा दर्शाया जाता है, इसी प्रकार धारा को दर्शाते हैं दोस्तों किसके द्वारा आय के द्वारा, और समय को दर्शाते हैं दोस्तों सेकंड के द्वारा, और आवेश को दर्शाते हैं दोस्तों क्यों के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं यूनिट की, यानी कि मात्रक, दोस्तों बात करेंगे अपन मात्रक की, मात्रक, मात्रक धारा का मात्रक होता है दोस्तों धारा, धारा के मात्रक। अब दोस्तों धारा के मात्रक होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों दो प्रकार के, धारा के मात्रकों में दोस्तों दो प्रकार के, एक तो होता है दोस्तों एसआई मात्रक और होगा एक होगा दोस्तों एनकेएस मात्रक। अपने यहां पर दो पद्धतियां, दो सिस्टम लागू होते हैं भारत के अंदर, दो पद्धतियां चालू होती है, एक तो इंटरनेशनल सिस्टम और एक एनकेएस। जो एनकेएस होती है केवल इंडिया की पद्धति होती है, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पीयर, क्या होता है एम्पीयर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पीयर, क्या होता है एम्पीयर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, सीधा यहां से क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पीयर। केवल एसआई की बात करूंगा मैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पीयर, और दोस्तों एम्पीयर को दर्शाया, एम्पीयर को दर्शाया जाता है ए के द्वारा, किसके द्वारा ए के द्वारा दर्शाया जाता है, किसको एम्पीयर को। अब यहां से अगला क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों एमकेएस, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस की फुल फॉर्म क्या हो गए मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं, एक तो इंटरनेशनल मात्रक और एक एमकेएस मात्रक। दोस्तों यहां पर एमकेएस के अंदर क्या होता है कि धारा का, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, क्या होता है दोस्तों धारा बराबर आवेश बटा समय। यदि आवेश का मात्रक दोस्तों कूलम होता है, क्या होता है कूलम, इसी प्रकार समय का मात्रक दोस्तों क्या होता है सेकंड, क्या होगा सेकंड, यानी कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्या होगा दोस्तों आई बराबर क्यू अपॉन टी। यदि आवेश का मात्रक कूलम होगा, क्या होगा दोस्तों कूलम, और समय का मात्रक होगा दोस्तों सेकंड, तो इसी प्रकार
का धारा का मात्रक हो गया। धारा का जो मात्रक हो गया एमकेएस मात्रक हो गया दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड। क्या हो गया दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड। सभी को आंसर आना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका कि धारा के दो मात्रक हो गए कितने, दो, एक तो एसआई और एक हो गया एमकेएस। दोस्तों एसआई मात्रक होता है एमपीएल, क्या हो गया एमपीएल, और एमकेएस मात्रक हो गया दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड, क्या हो गया कूलाम प्रति सेकंड। अब इसके बाद में थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ाते क्लास को, ये समझ में आ गया दोस्तों आपको। अब यहां से अपनी क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे क्वेश्चन भी बनाएंगे दोस्तों। मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, अगर आप कॉपी पेन से नहीं लिखते डायरेक्ट पढ़ते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यहां से। किसी चालक में एग्जांपल एक, किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा 2 मिनट मिनट दर किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित की जाए समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों सेकंड, क्या होता है सेकंड।
और अपन को सेकंड में ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला से भी किया अपन ने यहाँ से कि एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, क्या होता है एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो दोस्तों दो मिनट बराबर क्या होगा 60 इंटू दो यानी कि 120 सेकंड, क्या हो गया 120 सेकंड। तो यानी कि 5 × 120 क्या होगा 5 × 120 बराबर 600 कूलम, क्या होगा आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों कूलम, क्या होगा कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों कूलम। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों 600 कूलम, क्या हो गया 600 कूलम। सभी को समझ में आया होगा किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित की जाए तो आवेश का मान होगा दोस्तों, अगर आपके पास में फॉर्मूला का विद्युत धारा का I बराबर क्यों अपॉन में टी, क्या होता है दोस्तों I बराबर क्यों अपॉन में टी, यहाँ पर I की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 5 एम्पीयर, कितना दे रखा है 5 एम्पीयर और धारा का मान दे रखा है दोस्तों 2 मिनट। अब मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया दोस्तों तो यानी कि 2 मिनट बराबर होता है 120 सेकंड। फॉर्मूला सिद्ध किया दोस्तों, बदल गुणा किया, क्यों को बाहर निकाला, क्या किया क्यों को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद में बचेगा दोस्तों आई इंटू टी यानी कि क्यों बराबर आई इंटू टी, आई की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू 120, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आंसर क्या हो गया 600 कूलम। दोस्तों इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लाता हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा है और सीधा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी चालक में एग्जाम्पल दो, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में सेकंड में 5 सेकंड में 50 कूलम आवेश 50 कूलम आवेश 50 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे तो प्रवाहित हो रहे हैं तो चालक में प्रवाहित धारा का मान होगा। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन टेढ़ा हो सकता है लेकिन इनको सोल्व करेंगे दोस्तों तो सीधा सरल हो सकता है। देखो पढ़ने में टेढ़ा हो सकता है लेकिन सोल्व करेंगे अपन तो सरल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार पढ़ना आपको, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में प्रवाहित 50 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो चालक में प्रवाहित धारा का मान होगा या धारा की वैल्यू होगी। दोस्तों आप सभी को पता होगा, सभी को पता है आपको कि धारा का फॉर्मूला था आई बराबर क्यों अपॉन में टी, यही था आपके पास में। तो यहां से आपको पूछ क्या रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे अपने बाद, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में समय यानी कि टी बराबर 5 सेकंड दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर यानी कि कोई मिनट का तो है नहीं, इसके अंदर समय की वैल्यू क्या होती है सेकंड, यानी समय को किस में मापा जाता है सेकंड में, किस में सेकंड में, तो कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। और आगे दिया हुआ है कि 50 कूलम, अब दोस्तों आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, तो यानी कि क्यों
क्यों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्यों बराबर 50 ग्राम, आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है? गुलाम। तो इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, सीधा सीधा दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर। अब आगे देखना क्या है, 50 ग्राम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो चालक में प्रवाहित धारा का मान होगा। अगर दोस्तों आपको सारा मालूम है यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, आई की, तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्यों अपॉन में टी, सीधा दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर आपके पास में। तो फॉर्मूला दिखाया है यानी कि क्यों, क्योंकि वैल्यू दे रखी यहाँ पर 50, कितना देर का है दोस्तों 50, और समय दिया हुआ दोस्तों 5 सेकेंड, क्या दिया हुआ है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे अपन, यानी कि आई बराबर, तो इसको सोल्व करेंगे 5 से 50 कितनी बार कट गए दोस्तों, 10 बार, कितनी बार 10 बार। अब दोस्तों 10 क्या है यहाँ पर, एम्पियर, क्या है यहाँ पर, एम्पियर, यानी कि जो आपका आंसर होगा दोस्तों 10 एम्पियर। समझ में आया होगा दोस्तों यहाँ पर 10 एम्पियर कैसे आया, यहाँ तो कोई दिक्कत दोस्तों दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार पढ़ेंगे, जहां तक आपसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आंसर तुरंत ही आएगा। क्वेश्चन को समझना है दोस्तों, इसकी लैंग्वेज को, क्या लैंग्वेज को समझना है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा और आगे क्लास को बढ़ाते हैं कि धारा, आपको पता होगा धारा विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब दोस्तों यहाँ पर जो धारा होती है, धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तो होती है एसी, एक होती है दोस्तों डीसी, क्या होती है, एक तो होती है एसी, एक होती है दोस्तों डीसी। अगर बात करेंगे अपन धारा की, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की, एक तो होगी आपकी एसी, एक होती है आपकी डीसी, क्या होती है, एक होती है आपकी डीसी, यानी कि डीसी, डीसी यानी डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, एक होती है दोस्तों आपकी एसी, अल्टरनेटर या प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है आपकी दिष्ट धारा, दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटर करंट, क्या होती है, अल्टरनेटर करंट, एक होती है आपकी दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट, क्या होगा दोस्तों डायरेक्ट करंट। काफी बार यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है कि डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, डीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों डायरेक्ट करंट, क्या होती है, डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। एक होती है दोस्तों आपकी एसी, एसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों अल्टरनेटर करंट, क्या होती है, अल्टरनेटर करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों दिष्ट धारा की, दिष्ट धारा की बात करेंगे जिस विद्युत धारा का मान व दिशा क्या होता है, जिस विद्युत धारा का मान व दिशा नियत रहती है वह क्या कहलाती है, दिष्ट धारा, क्या कहलाती है दोस्तों, दिष्ट धारा। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की, वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है, क्या परिवर्तित होता रहता है, वह कहलाती है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट या एसी करंट। समझ में आया दोस्तों, यहां पर डेफिनेशन लिखते हैं अपन, जिस विद्युत धारा जिस विद्युत धारा का मान व दिशा मान व दिशा नियत रहती है,
नियत रहती है, नियत रहती है वह कहलाती है दोस्तों डीसी। नियत रहती है डीसी। धारा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों डीसी धारा। अब यहां से और आगे थोड़ा अगर मैं बात करता हूं दोस्तों एसी की, किसकी बात करूंगा एसी की, वह विद्युत धारा, वह विद्युत, वह विद्युत धारा जिसका मान जिसका मान व दिशा नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है वह ऐसी धारा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों ऐसी धारा कहलाती है। अगर दोस्तों यहां पर एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों यहां पर दृष्ट धारा के एग्जाम्पल बैटरी जनित्र आदि से प्राप्त करते हैं। अगर बात करते हैं एसी की दोस्तों, एसी का उत्पादन करते हैं अल्टरनेटर के द्वारा। अल्टरनेटर से प्राप्त, किससे प्राप्त होती है अल्टरनेटर से प्राप्त होती है दोस्तों इसका उपयोग करते हैं। अगर मैं बात करूंगा उपयोग की, किसकी बात करूंगा दोस्तों यहां पर उपयोग की, उपयोग करते हैं दोस्तों इसका बैटरी चार्जिंग में उपयोग, बैटरी चार्जिंग किसके अंदर करते हैं बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग और होता है दोस्तों आर्क वेल्डिंग में आदि, है ना दोस्तों। डीसी का उपयोग करते हैं बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य या आर्क वेल्डिंग में। अगर मैं दोस्तों बात करता हूं किसकी बात करूंगा अपन, इसका भी उपयोग, एसी का उपयोग घरेलू या औद्योगिक कार्यों में, घरेलू व औद्योगिक कार्यों में एसी का उपयोग करते हैं दोस्तों, घरेलू व औद्योगिक कार्यों में अगर दोस्तों बात करते हैं यहां से डीसी की, अगर डीसी की बात करते हैं दोस्तों यानी कि एक तो गया, अगर वेव बढ़ाते हैं अपन इसका,
क्या हो गया दोस्तों, वियोग बढ़ाते अपन डायग्राम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहां पर डीसी का, जिस विद्युत धारा का मान व दिशा, यानी कि मान व दिशा, एक तो उच्च विभव हो गया यहां पर, इसको बोलेंगे उच्च विभव, एक हो गया निम्न विभव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों यहां पर भी पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। धारा स्टार्ट होती है शून्य से, कहां से स्टार्ट होती है शून्य से, जिस विद्युत धारा का मान व दिशा क्या हो रहा है यहां पर नियत, यानी कि इसका मान यहां से स्टार्ट हुआ, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, यानी कि ना तो पॉजिटिव में जा रहा है और न कि नेगेटिव में जा रहा, इसका इसको बोलेंगे मान। और दिशा जिस डायरेक्शन में ये बह रही है, जिस डायरेक्शन में ये बह रही है विद्युत धारा, वह क्या कहलाती है नियत हो गई, फिक्स। क्या हो गया दोस्तों फिक्स। तो कैसी है दिष्ट धारा। अगर बात करते हैं दूसरे डायग्राम के अंदर देखते हैं, वही धारा स्टार्ट होती है शून्य से, एक ऊपर होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, देखा होगा आपको। अब दोस्तों इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे अपन, वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा क्या हो नियत दर पर परिवर्तित होती रहती है, क्या हो रहा यानी कि नियत दर पर बदलती रहती है, यानी कि दोस्तों एक बार पॉजिटिव यहां से धारा स्टार्ट हुई, एक बार पॉजिटिव में गई, यानी कि जिसका मान व दिशा नियत दर पर चेंज होते रहते, एक बार पॉजिटिव दूसरी बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसी प्रकार चलती रहती है, यानी कि वह कहलाती है दोस्तों परावर्ती विद्युत धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। और दूसरी होती है दोस्तों दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, इसका मान बदलता नहीं है दोस्तों और इसका मान बदलता है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों कि डीसी का उपयोग कहां किया जाता है, बैटरी चार्जिंग के द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन और आर्क वेल्डिंग के अंदर। अगर बात करेंगे दोस्तों अपन एसी की, यानी एसी का उपयोग कहां करेंगे दोस्तों, घरेलू और औद्योगिक कार्य के अंदर एसी का उपयोग करते हैं दोस्तों। और एसी किसके द्वारा प्राप्त करते हैं दोस्तों, एसी का उत्पादन करते हैं अल्टरनेटर के द्वारा, किसके द्वारा अल्टरनेटर के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों अपन डीसी की, डीसी का उत्पादन करते हैं दोस्तों बैटरी जनित्र से प्राप्त करते हैं, किससे, बैटरी जनित्र या डायनामो से प्राप्त करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और आप सभी दोस्तों का प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।